हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जाऊंगी, शायद बहुत लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत लोग को पता ही नहीं होगा रेसिपी। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाने जा रही हूं। और अभी शाम हो गया है और जैसे ना बारिश होने की वजह से लग रहा है काफ़ी रात हो गया है, पर रात ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी 8 बज रहा है और अभी मैं बनाऊँगी आधा एक घंटा रुक के, और हस्बैंड भी टीवी बैठ के देख रहे हैं क्या है। और आजकल ना दिन जल्दी ढल भी जाता है, बहुत जल्दी दिन ढल जाता है। उधर देखिए रुपेश देख रहा है कि फ़ोन मांग रहा था ना, फ़ोन मैंने नहीं दिया उसे, इसलिए मुझे ऐसे देख रहा है। अच्छा भी जो है बदमाशी कर रही हूँ, देखिए वो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? और मैं जानती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, यही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो है ना मछली का अंडा है और इसकी मैं पकौड़े बनाऊँगी, और ये फिश है। आज बहुत काफ़ी टाइम के बाद मैं फिश बना रही हूँ, तो ये रोहू मछली है, इसे भी मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए अंडा जो है मछली का, उसमें मैंने हल्दी पाउडर और ज़्यादा बेसन नहीं लूँगी, थोड़ा बेसन, 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है। स्वाद के अनुसार नमक लिया है। और अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, जो मैंने घर पे बनाया है वो गरम मसाला है। और ये फ्रेंड्स हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट है, मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं पीसा है, इसे मैं ले लेती हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा तीखा रहता है ना, तो ज़्यादा टेस्ट आता है। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर मैं मछलियों को भी मैरिनेट करके रख लेती हूँ। अगर मैरिनेट करके रख लेती हूँ ना, तो सिर्फ इसे फ्राई करना रहता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है पहले से ही, अगर हम आधा घंटा पहले मैरिनेट कर लेते हैं तो। जब तक कि अच्छी तरीके से मैरिनेट होगा तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मछली का अंडे का पकौड़े होता है ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और मैं सबकी बात तो नहीं कर पाऊँगी, पर हम नॉनवेज खाने वालों को ये खाना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की कि जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा वो भी इसे बना के ट्राई ज़रूर करें कि कैसी बनती है। और आप एक बार ट्राई कर लेंगे ना तो आप बार बार इसे खाना पसंद करेंगे। और पकौड़े फ्राई हो गए थे तो मैंने सभी को खिला दिया, अपना मैंने रख लिया है कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगी। और फिर मैं उसी कढ़ाई में मछली फ्राई कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा कड़ी लगाऊंगी हस्बैंड के लिए, और बस मैं तो मछली फ्राई ही खा लूँगी चावल के साथ, और ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इधर मैं चावल भी धुल रही थी, उधर मछली फ्राई हो रही थी। और मछली मैं जो है ना वो लो फ्लेम पे फ्राई करती हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं। और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुआ था, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, फुल रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी पूरी रेसिपी आप लोग को दूँगी। और इधर देखिए मछली फ्राई हो गई है, तो मैंने मसाला, थोड़ा सा मसाला मैं पीस के बस थोड़ी सी ही ग्रेवी लगाऊंगी, क्योंकि अंडा मतलब इसका पकौड़ी खाने से ना मछली के अंडे का पेट तो ऐसे ही फुल हो गया था। तो हम लोगों ने 10:30 बजे खाना खाया और पकौड़ी हम लोगों ने 8:30 बजे तक खा लिया था। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड का वेडनेसडे को छुट्टी होता है, तो हर वेडनेसडे को कुछ ना कुछ नॉनवेज ही बनता है। और मैं उनसे बातें कर रही थी, थोड़ी सी इधर उधर की बातें जो होती हैं आपस में, वही बातें कर रही थी। और आटा भी लगा ले रही थी कि जल्दी से रोटी भी सेक लेती हूँ और फिर जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने बना लिया है फिश और अंडे की, मतलब फिश का जो अंडा था ना उसका पकौड़ी हम सभी ने खा लिया है और पेट तो फुल हो गया है। देखिए थोड़ी देर बाद हम लोग खाना खाएँगे, अभी खाना नहीं खाएँगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे, वही 9-10 बजे तक खाएंगे। मैंने सोचा कि मैं आप लोग से बातें ही कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि जब तक आप लोग से बातें नहीं करती हूँ दिन नहीं कटता है। मैंने अभी किचन भी क्लीन कर दिया है, अब जब सब लोग खा लेंगे तो मैं थोड़ा सा वहाँ वॉश कर दूँगी। मैंने अभी फिश बना लिया है और जो अंडे की पकौड़ी बनाई थी ना मछली के अंडे की, वो सभी ने खा लिया, अभी कोई खाना नहीं खाएगा क्योंकि सबका जो पेट है फुल है। और आज मैं नाश्ता कुछ नहीं बनाई थी, तो सबको भूख लगी थी तो सब खा लिए थे। और अभी जो फिश है वो भी बन गई है, पर थोड़ी देर बाद सब लोग खाएंगे, और बच्चे भी बैठे हुए हैं। एक अजीब सा बारिश हो रहा है ना, एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे अच्छा नहीं लग रहा है बारिश होता हो रहा है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, पर सब लोग घर में बच्चे जो हैं घर में ही बैठे हुए, वो ज़रूर बाहर खेल लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा, बस ऐसे ही सोए हुए हैं। और ये देखिए सब सोए हुए हैं यहाँ पे, और हस्बैंड वहाँ पे देखिए टीवी देख रहे हैं, वहाँ पे देखिए वो टीवी देख रहे हैं, ये देखिए हस्बैंड टीवी देख रहे हैं,
और बच्चे यहीं पे सोए हुए हैं और मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया है, बिल्कुल अब लग नहीं रहा है कि गर्मी है, पर ना जब किचन में जाइए तो सारा मौसम जो ठंडा होता है ना सब गायब हो जाता है छू मंतर, किचन में तो गर्मी लगनी ही लगनी है। और ये देखिए मैं जब भी सिंदूर लगाती हूँ ना और किचन में जाती हूँ तो मेरा सिंदूर जो है वो सारा जो है पानी जो पसीना चूता है तो पूरा ये देखिए फैल जाता है, पूरा रेड रेड माथा हो जाता है। और इसलिए मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती है और गर्मी में रोटी बनाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर मेरे घर में सबको रोटी ही पसंद है तो रोटी सब खाते हैं। मैं बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं बनाती हूँ, बनाती हूँ रोटी, लेकिन गर्मी में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बनाना। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, और मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ ये सब लड़ाई कर रहे हैं, सोना नहीं बिना खाना खाए। तो ये लोग ना बस ये लोग जिस दिन सुन लेंगे कि आज नॉनवेज बना है ना, इन लोग को नींद जल्दी आएगी, इन लोग का भूख ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर नॉनवेज नहीं बना रहेगा ना तो इन लोग को नींद भी नहीं आएगी और इन लोग का भूख भी नहीं ख़त्म होगा। बस नॉनवेज सुन लेना है। आज मछली के पकौड़े मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बना रही थी और सबको दे रही थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये लोग मालूम है मछली के जो पकौड़े होते हैं ना, हमने मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने खा लिया, और बच्चों को उसी वो तो खा लिया था, रुपये तो खा लिया था, पर छवि को सिर्फ 4 पीस मैंने दिया था, वो भी 1 घंटे से खा रही थी, ये खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती, 1 घंटे से पीस खा रही थी। बारिश बहुत तेज़ हो रहा है ना देखिए, और बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, देखिए क्या होता है, सुन तो रहे हैं कि 8 दिन तक बारिश होगा। अब ज़्यादा मैं बात अब वीडियो को जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो बन जाता है तो आप लोग उसे फुल वॉच नहीं करते हैं, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, तो मैं वीडियो को थोड़ा ही मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता नहीं, जो यूट्यूबर है वो तो समझते होंगे कितना मतलब मेहनत लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोग प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सबसे पहले आपको मिल जाए नोटिफिकेशन और आप उसे फुल वॉच कर लिया करिए, क्योंकि हम लोग मेहनत इसीलिए करते हैं कि आप लोग देखें, आप लोग का जो है इन्जॉयमेंट बना रहे। इसकी वजह से बरसात हो, गर्मी हो या तबीयत भी ख़राब रहती है ना, तो भी हम लोग वीडियो बनाना बंद नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तो